प्रिय विद्यार्थियों, आरसी एजुहब बानसोर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में परिणामी सदिश की विशेष अवस्थाएं। हमने इससे पहले की वीडियो में परिणामी सदिश के बारे में अध्ययन किया था, तो उसमें हमने इसका जो मान निकाला था वो मान निकल के आया था आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके बारे में शॉर्ट के अंदर कि भाई ये मान निकल के कैसे आता है। जैसे अपने ले लें त्रिभुज, माने यहां पे मानो हमारे पास में त्रिभुज है, ये माना पी क्यू आर को त्रिभुज है, यहां से एक लंब डाल लें इधर, इसको आगे बढ़ा लें, इसको एस बना ले बिंदु, यहां एल्फा कोण मान लें, यहां कोण थीटा मान लें, इस भुजा भ्रामिकी को ए वेक्टर मान लें, इसको इसको हम बी वेक्टर मान लें, और ये हमारा हो जाएगा आर वेक्टर। ये कहलाता है परिणामी सदिश, और ये जो भुजा हमारे पी आर है ये कहलाती है परिणामी भुजा, और आर कहलाते हैं परिणामी सदिश। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं, हमने वैसे इससे पहले पढ़ लिया इसके बारे में, इसको निकाल चुके हम, तो ये निकल कैसे आता है। हम इसके लिए पी एस आर त्रिभुज लेते हैं, तो पी एस आर त्रिभुज में ये कोण है भुजा सामने क्या हो जाएगी लंब, पी एस वाई क्या हो जाएगा आधार, और पी आर क्या हो जाएगा करण। तो हम करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहां जाएगा पी आर का स्क्वायर आधार पी एस का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, इस तरह से पी आर का स्क्वायर। देखो पी आर कितना है, पी आर का मान आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ध्यान दो भाई, वेक्टर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वेक्टर हट जाता है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। देखो पी आर का मान आर वेक्टर था, हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर हट गया, मान गया बस गया आर स्क्वायर। देखो पी एस, ये पी एस है भाई, पी एस तो क्या हो सकता है पी क्यू प्लस में क्यू एस, राइट। तो अब देखो पी क्यू कितना ए वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस में क्यू एस का होल स्क्वायर। आर एस देखो, आर एस ही लंब इसमें, तो ये हो जाएगा आर एस का स्क्वायर। फिर आगे देखो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर, इसको खोलेंगे। अब देखो क्यू एस और आर एस का मान हम पहले वीडियो में निकाल चुके हैं, वहां क्यू एस का मान आया था पी वेक्टर इंटू कोस थीटा, और आर एस का मान आएगा भाई बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, ये मान निकाल चुके हैं, ये मान रख देंगे यहाँ पे। दिया जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बी वेक्टर इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से इसको खोल लेंगे प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र से। तो इसको खोलेंगे आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा प्लस बी वेक्टर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको इसको लिख लेंगे पास में, इसमें बी स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन, तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा भाई, दोनों का मान क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भाई क्या हो जाएगा, इसका मान एक हो जाएगा। आगे ये है टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू भाई कोस थीटा, तो भाई इसका मान तो क्या हो गया एक, तो ये इधर क्या बच गया आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। तो भाई यहां से आर का मान चीज उधर क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा आर का मान ज्ञात हो गया था, हमने पहले इसको पढ़ लिया था इसके बारे में, आज हम फिर से शॉर्ट में समझाना चाह रहा था। अब देखो आगे, आज हम इसकी विशेष चौरसता के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो ये क्या होती है, जैसे हमारे पास सदिश अगर मानो दोनों लंबवत हो उसमें आर का मान क्या होगा, अगर दोनों समान हो उसमें आर का मान क्या होगा, विपरीत दोनों हो उसमें आर का मान क्या होगा। तो हम तीनों कंडीशन में परिणामी सदिश आर का मान ज्ञात करेंगे। तो हम यह लिखेंगे केस फर्स्ट, जब दोनों सदिश समांतर हो, भाई कैसे हो समांतर हो,
रहो जैसे, माना ए भी हमारा ऐसे हो और हमारा बी भी ऐसे हो, थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री, दोनों समांतर हैं। तो ये मान रख दो, यहां तक आ जाएगा, देखो भाई आर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर, और यहां आ जाएगा कोस 0 डिग्री। अपन जानते हैं कोस 0 का मान भाई क्या होता है, एक होता है, इसका मान एक हो जाएगा, जो कि कोस 0 डिग्री का मान भाई क्या होता है, एक होता है। तो ये इधर आ जाएगा, हाँ इस यहां लगाओ रूट में, तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर। देखो ये हमारा आर का मान प्राप्त हो गया कैसे, फर्स्ट में। अब तो आगे हम केस सेकंड की बात करें, नेक्स्ट में केस हमारा सेकंड क्या है, अगर दोनों लंबवत हो, दोनों कैसे हो लंबवत, तो हमारा केस सेकंड है जब दोनों सदिश क्या हो लंबवत हो, जब सदिश लंबवत हो। इस समय भाई जैसे ए माना हमारे पास में ऐसे है ए वेक्टर, और माना इस तरह हमारा बी वेक्टर है, अगर दोनों लंबवत हैं तो भाई इसमें कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। मान रखो यहां पे, तो यह आ जाएगा आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कोस 90 डिग्री, और भाई इसका मान क्या होता है 0, जो कि कोस 90 का मान भाई क्या होता है 0 होता है। तो ये 0 है, पूरा मान क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या बचा कहता है आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है हमारा केस सेकंड। अब हमारा लास्ट केस है, तीसरा केस में क्या है, केस तीसरा है कि जब इनके मध्य कोण 180 का हो, यानी माना ऐसे तो ए वेक्टर हो दिशा में विपरीत हो, ये ऐसे हो कोण 180 हो जाएगा इनके बीच, इनके मध्य में इनके बीच में दोनों विपरीत होंगे, तो मान रख देंगे यहां पे दिया जाएगी इस अवस्था में आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस 180 डिग्री, भाई इसका मान माइनस एक होता है, तो यह जाएगा आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का अंडर रूट, यही हो सकता है आर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये इस अवस्था हमारा मान आर का मान ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे तीन कंडीशन थी, अलग अलग कोण के ऊपर हमने आर का मान ज्ञात किया, यहाँ पे आर परिणामी सदिश है, बल्कि हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।